वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कॉन्गो के बारे में। कॉन्गो के बारे में हमने पढ़ा कि कॉन्गो का ओल्डर नेम जो था ज़ायरे था, इसका हमने ऑफिशियल नेम पढ़ा, ठीक है। देन हमने देखा कि कॉन्गो में वेजिटेशन किस तरीके की, वाइल्ड लाइफ कैसी है, डेंस फॉरेस्ट है, इक्वेटोरल फॉरेस्ट हम इन्हें बोलते हैं बिकॉज ऑफ द नियर बाय ऑफ द इक्वेटर। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है डे बाय डे, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो हाई होता जाता है और ह्यूमिडिटी का लेवल भी बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी के लेवल बढ़ते ही बारिश होती है, रेनफॉल होता है, और रेनफॉल होने से नाइट्स जो होती है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। नाउ आज हम यहाँ का लाइफस्टाइल पढ़ेंगे। कॉन्गो का जो लाइफस्टाइल है, यहाँ पे आपको देखिए अलग अलग जाति प्रजाति के लोग जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ कॉन्गो इज, ये मैं आपके लिए थोड़ा सा रीड कर रही हूँ, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे आप दो मेन पढ़ेंगे, पिग्मीज और बंटू। पिग्मीज और बंटू के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों में क्या डिफ्रेंसिएशन है ये आप देखेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ कॉन्गो इज अबाउट 9.19 मिलियन। अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, ठीक है, वेयर पीपल लिव इन हार्ट्स। मैनी पीपल हैव माइग्रेटेड टू टाउन्स टू वर्क इन माइंस एंड फैक्ट्रीज। इन अर्बन एरियाज पीपल लिव इन हाउसेस। जैसे हर जगह होता है कि कुछ लोग जो है विलेजेस में रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए माइग्रेट हो रहे हैं टाउन्स की तरफ। नाउ देयर आर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन कॉन्गो, 2 ऑफ विच आर मोर इम्पॉर्टेंट, फ्रेंच इज द मोस्ट यूज्ड वन, ठीक है। 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनमें से फ्रेंच जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉमन है, और सेवरल अदर डायलैक्ट्स यानी कि छोटी छोटी, जैसे भारत में भी है अलग अलग टाइप की बोलियाँ जो हैं वो बोली जाती हैं, ऐसे यहाँ पे भी बोली जाती हैं। सेवरल एथनिक ग्रुप्स लिव इन कॉन्गो। एथनिक यानी जो जाति आधार पर जो ग्रुप बने हुए हैं वो अलग अलग है। द मेजोरिटी ऑफ द देम आर बंटू पीपल, आ गया बंटू। दे आर नीग्रोज विद अ स्ट्रॉन्ग एंड टॉल फिजीक। बंटू हमने पढ़ा पहला, बंटू यहाँ पे एक जगह मैं लिख देती हूँ बंटू, और दूसरी जगह हम लिखेंगे पिग्मीज। पिग्मीज, ठीक है। तो ये क्या है, बंटू कैसे हमारे टॉल एंड फिजीक इनका जो है वो कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके अलावा क्या है इनमें, दे स्पीक बंटू लैंग्वेज। कौन सी भाषा बोलते हैं, बंटू लैंग्वेज, जो अपनी वहाँ की भाषा है उनकी बंटू, वो भाषा बोलते हैं, बंटू लैंग्वेज बोलते हैं। द अदर एथनिक ग्रुप इंक्लूड मंगोल, ल्यूबा एंड कॉन्गो पीपल। द पिग्मीज आर बिलीव्ड टू द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ कॉन्गो। ये जो है इनको क्या माना जाता है, ओरिजिनल हैबिटेट माना जाता है, यानी कि ये जो है इनका ओरिजिनली माना जाता है कि ये कहीं से आए हुए नहीं है, यहीं के जो है निवासी शुरू से रहे हैं। टू द इनहेबिटेंट दे नीड अ प्रिमिटिव लाइफ। प्रिमिटिव लाइफ कैसी होती है, पुराने ढर्रे की, प्रिमिटिव यानी कि ओल्डन टाइम की लाइफ जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं, प्रिमिटिव लाइफ एक्सपेंड कर रहे हैं। देन इन द लैप ऑफ द थिकेस्ट फॉरेस्ट दे आर शॉर्ट एंड हाई। ये कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, बंटू जो होते हैं टॉल होते हैं, ये जो होते हैं ये आप अपने पास भी एक ऐसा चार्ट सा बना के रख लीजिएगा, शॉर्ट होते हैं ये हाइट में, ठीक है, शॉर्ट हाइट होती है। देन यहाँ पे आपको बता रखा है, देयर मेन शॉर्ट हाइट, डार्क स्किन, कर्ली ब्राउन हेयर एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। बॉडी इनकी भी स्ट्रांग होती है लेकिन बहुत डार्क होते हैं, और इनके हेयर में बहुत कर्ली 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 होते हैं, ठीक है। देयर मेन ऑक्यूपेशन इंक्लूडिंग हंटिंग, गैदरिंग फूड एंड नॉमेडिक एग्रीकल्चर। ये इनका मेन ऑक्यूपेशन है, दे आर एक्सीलेंट हंटर, और इनकी खासियत क्या होती है, एक्सीलेंट हंटर होते हैं, एक्सीलेंट हंटर्स, ठीक है। देन स्मॉल बोज एंड पॉइजन, अब ये इसमें बता रखा है कि उनके पास बो होती है, पॉइजनस जो होते हैं एरोज होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, वो करते हैं शिकार करते हैं। ड्यू टू द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पीपल ऑफ कॉन्गो वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स, ठीक है, लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। द पिग्मीज वेयर फ्यू क्लोथ्स वाइल बंटू लाइक टू वेयर फुल लेंथ। ये पहनते हैं फ्यू क्लोथ्स, कुछ कम कपड़े पहनते हैं ये, और ये पहनते हैं फुल लेंथ क्लोथ्स, फुल क्लोथ्स, ठीक है। जो बंटूज होते हैं वो फुल क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। द मेन फूड क्रॉप्स आर कसावा मेज, और ये यहाँ की मेन क्रॉप्स आपको बता दी गई। क्रिश्चियनिटी इज द मेन रिलीजन ऑफ द कॉन्गो। कॉन्गो का जो मेन रिलीजन है वो क्या है, क्रिश्चियनिटी है।
इंक्लूड इस्लाम, इस्लाम भी यहाँ पे इंक्लूडेड एंड अदर लोकल अफ्रीकन फेथ्स। लोकल अफ्रीकन फेथ्स का मतलब क्या हो, जो हमारी लोकल जो हमारी मान्यताएं होती हैं वो, ठीक है। मोस्ट पीपल आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस, डांस और म्यूजिक के बहुत शौकीन होते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज इन ग्रुप्स ऑफ कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। नाउ मेन ऑक्यूपेशन, अब यहाँ पे हमारा क्या है ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय क्या क्या है, फार्मिंग, मेन ऑक्यूपेशन इनका फार्मिंग है, ठीक है। यहाँ पे शिफ्टिंग फार्मिंग की, कल्टीवेशन की बात की गई है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि आप देख रहे हैं कि डेंस फॉरेस्ट वगैरह हैं, तो यहाँ का ऑक्यूपेशन भी मेन क्या है, हमारे पास फार्मिंग है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है, सपोज करो कि मैं इस प्लेस में आई, मैंने यहाँ पे जंगलों को काटा और उसके बाद उनको जला के फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, चार पाँच साल के लिए यहाँ पे खेती बाड़ी की, ठीक है। उसके बाद जब इस सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है तो मैं इस प्लेस को छोड़ दूंगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगी। फिर वहाँ पे जंगलों को काटा और वहाँ पे उन जंगलों को काटना, जलाना और उसके बाद वहाँ पे खेती करना कुछ सालों के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। यहाँ पे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ये बहुत फॉलो करते हैं। देन इंडस्ट्रीज, यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है, द प्लेट्यू रीजन विच इज लोकेटेड टू द साउथ इज रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, सच एज कोबाल्ट, मैंगनीज, टिन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। हैवर देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज हेयर, सो मिनरल्स आर मेनली एक्सपोर्टेड, कुछ यहाँ पे वो हैं इंडस्ट्रीज है ताकि यहाँ से मिनरल्स को जो किया जा सके एक्सपोर्ट किया जाता है। लार्ज पार्ट ऑफ कॉन्गो पॉपुलेशन वर्क इन माइंस ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स, देयर आर एन एक्यूट थ्रेट ऑफ एनवायरनमेंट हियर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो यहाँ की एनवायरनमेंट जो है यहाँ का खतरे के निशान पर आ जाता है। नॉट मैनी इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड इन कॉन्गो, द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हेयर आर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग, बेवरेजेस, बेवरेजेस क्या होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स एंड मिनरल्स ऑयल। द इंडस्ट्रीज आर मेनली लोकेटेड इन द मेजर सिटीज ऑफ किंशासा, लुम्बासी एंड माता, क्लियर। नाउ एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है, एनर्जी नीड टू कॉन्गो इज मेट बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट विच हैव बीन बिल्ट ऑन द रिवर्स, कैसे मिलती है यहाँ पे एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। द एग्ना प्रोजेक्ट ऑन द कॉन्गो रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है, जब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं लेकिन उससे हमारे बहुत सारे कार्य जो हैं वो कंप्लीट होते हैं तो उसे हम मल्टीपर्पज बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल एंड मिनरल ऑयल, ओनली अबाउट 15% ऑफ द कंट्री हैज एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। नाउ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड है, रेलवेज हैं, हैव नॉट डेवलप्ड वेल इन कॉन्गो, क्योंकि थिक फॉरेस्ट से यहाँ पे रोड और रेलवेज जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। वाटरवेज आर यूज, बेसिकली क्या यूज होते हैं यहाँ पे, वाटरवेज होते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्गो रिवर आर नेविगेबल, किंशासा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर पोर्ट, मातादी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट शिपिंग टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है तो उन फॉरेस्ट को कट करना और वहाँ से रोड्स निकालना बहुत मुश्किल है, या वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बिछाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए बेसिकली किसका यूज करते हैं, वाटरवेज का यूज करते हैं। कॉन्गो हैज नॉट एयरपोर्ट फैसिलिटीज भी यहाँ पे जो है अवेलेबल हैं। कॉन्गो हैज़ नॉट डेवलप्ड वेल इन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, टेलीफोन लाइन्स कनेक्ट ओनली सम इम्पॉर्टेंट सिटीज, यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो थोड़ा वीक है, यहाँ पे बहुत कम इम्पॉर्टेंट सिटीज में ही टेलीफोन जो सेवाएं उपलब्ध हैं। द मोबाइल फोन हैज़ इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी, रेडियो, टेलीविजन एंड सेटेलाइट कम्युनिकेशन आर बिकमिंग पॉपुलर हेयर विद द पासेज ऑफ टाइम, अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है। नाउ यहाँ तक हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मेजर सिटीज ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो की कौन कौन सी मेजर सिटीज है, किंशासा, मातादी एंड बुकावो, किंशासा, मातादी एंड बुकावो, ये तीन जो सिटीज हैं। द कैपिटल ऑफ कॉन्गो इज द लार्जेस्ट ऑफ द कॉन्गो, इट इज सिचुएटेड ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ द कॉन्गो रिवर, इट्स पॉपुलेशन इज अबाउट 11.8 मिलियन, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, मातादी इज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडस्ट्री, मातादी जो है वो इंडस्ट्री के लिए जो है एक मेन सेंटर है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इट हैज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ कॉन्गो एंड आर रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन के लिए
और सी पोर्ट के लिए जो ये है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन बोगावू इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, लेक कीवू इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। ठीक, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में बेसिकली हमने कॉन्गो के बारे में पढ़ा है। कॉन्गो के ये आपको तब हेल्प होगी जब आप जैसे आप लिखो कॉन्गो, कॉन्गो के बारे में मेन मेन पॉइंट्स लिखो, फिर हेडिंग डालो लोकेशन, लोकेशन में कैसी कौन कौन सी लोकेशन है, कौन से इसके नेबर्स में आ रहे हैं वो लिख लो। देन आपका इसका क्लाइमेटिक कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस इसका वो है, फिर डे मॉर्निंग का आवर्स जो होते हैं वो हॉट होते हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है इसका हाई होता रहता है, ह्यूमिडिटी होती है, ये कुछ कुछ मेन पॉइंट्स करके आप इनके पॉइंट्स बना लीजिए। उसके बाद आपने इसमें रिलीफ फीचर्स देखे हैं, नेचुरल वेजिटेशन देखी, वाइल्ड लाइफ देखी, इसको इसको हार्ट ऑफ डार्कनेस बोला जाता है बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, देन आपने लाइफ स्टाइल देखा, यहाँ मैंने आपको बंटू और पिग्मीज दो अलग अलग बताए कि कौन इनमें डिफ्रेंसिएशन पूछ लिया था बेटा, इसलिए मैंने आपको इसी वे में बताया कि बंटू और पिग्मीज क्या है, इनमें क्या डिफरेंस था। मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है, इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, और देन हमने एनर्जी रिसोर्सेज पढ़े, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन देखा, और उसके बाद हमने मेजर सिटीज देखी। नाउ चैप्टर इज कम्प्लीटेड। अब आप इसकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो याद भी करेंगे, लिखेंगे भी इन्हें आप, और इसका बैक एक्सरसाइज आप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।